हेलो नमस्ते आदाब, मेरा नाम है दिव्यांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सिनेमा शो। इस शो में आपको मिलती हैं सिनेमा से जुड़ी तमाम जरूरी खबरें। आज के एपिसोड में बात करेंगे आमिर खान की उस फिल्म की जो उन्होंने चीन की वजह से छोड़ दी, प्रियंका चोपड़ा की वो ड्रेस जिस पर उन्हें ट्रोल किया गया और जिसकी कीमत जान लेंगे तो हैरान हो जाएंगे, साथ ही अभिषेक बच्चन की फिल्म की जिसकी शूटिंग रुकवाने के लिए पुलिस को जाना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। पहली खबर है हॉलीवुड से। सुपरहिट फ्रेंचाइज फास्ट एंड फ्यूरियस का नौवा पार्ट आ रहा है F9। 14 अप्रैल को इस एक्शन पैक्ड फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। हालांकि ये दूसरा ट्रेलर था, पिछले साल 1 फरवरी को पहला ट्रेलर आया था। पिछले ट्रेलर में साफ कर दिया गया था कि जॉन सिना फिल्म के विलन होंगे। यहां उनकी टक्कर होगी विन डीजल से। इन दोनों स्टार्स समेत चार्लीज थेरॉन, मिशेल रॉड्रिगुएस, जॉर्डन ब्रूस्टर और हेलन मिरेन भी फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया है जस्टिन लिन ने, जो इससे पहले फ्रेंचाइजी की तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी फिल्म भी डायरेक्ट कर चुके हैं। F9 मई 2020 में रिलीज होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से टल गई। अब इसे 25 जून को थिएटर्स पर रिलीज किया जाएगा। ये सबको पता है कि हिट तमिल फिल्म विक्रम वेधा का हिंदी रीमेक आ रहा है। ओरिजिनल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति आमने सामने थे, रीमेक में सैफ और ऋतिक नजर आएंगे। ये भी सब जानते हैं कि ऋतिक के रोल के लिए पहले आमिर को अप्रोच किया गया था पर उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी। अब इसकी वजह सामने आई है, बताया जा रहा है उन्होंने चीन की वजह से रोल ठुकरा दिया। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक आमिर इस गैंगस्टर ड्रामा फिल्म की कहानी हांगकांग में सेट करना चाहते थे ताकि इसे चाइनीज मार्केट में अच्छा रिस्पांस मिले। मेकर्स भी उनसे सहमत थे लेकिन इस प्लान पर काम हो पाता उससे पहले कोरोना आ गया। इसके साथ ही इंडिया और चीन में तनाव भी बढ़ने लगा। अब अपना विजन पूरा ना होते देख आमिर ने फिल्म छोड़ना ही बेहतर समझा। उनका रोल गया ऋतिक को। ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर्स पुष्कर और गायत्री ही हिंदी रीमेक भी डायरेक्ट करेंगे। 14 अप्रैल से महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को लेकर नए नियम लागू किए जिनके तहत अगले 15 दिनों तक राज्य में कोई शूटिंग नहीं होगी। इससे पहले सिर्फ 33% क्रू के साथ शूट करने की परमिशन थी। शाहरुख खान की पठान, सलमान खान की टाइगर 3 और अमिताभ बच्चन की फिल्म गुड बाय की शूटिंग मुंबई में ही चल रही थी। अब इनकी शूटिंग रोक दी गई है। मोहित सूरी भी अपनी आने वाली फिल्म एक विलेन 2 की शूटिंग शुरू करने वाले थे, इसलिए मुंबई में शूटिंग बंद होने के बाद उन्होंने लोकेशन को गोवा शिफ्ट कर लिया। बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल से फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। 2014 में आई एक विलेन के सीक्वल में अर्जुन कपूर और तारा सुतारिया लीड रोल्स में नजर आएंगे। अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और रकुल प्रीत सिंह की नई फिल्म आ रही है, नाम है मेडे। अजय ही फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। बतौर डायरेक्टर ये उनकी चौथी फिल्म है। कास्ट के अलावा बाकी डिटेल नहीं रिवील किए गए थे लेकिन अब फिल्म की कहानी से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की कहानी 2015 की जेट एयरवेज दोहा कोची फ्लाइट पर बेस्ड है जो बड़े हादसे की चपेट में आने से बची थी। दोहा से चली इस फ्लाइट को कोची लैंड करना था लेकिन आसमान साफ न होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। लैंडिंग की 3 नाकाम कोशिशों के बाद पायलट्स को मेडे यानी इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी थी। इस घटनाक्रम पर बनी ये फिल्म 29 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी। अगली खबर है रीजनल सिनेमा से। कन्नड़ सुपरस्टार सुदीप की मच अवेटेड फिल्म विक्रांत राणा की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। सुदीप ने ये जानकारी शेयर करते हुए लिखा, हम ये अनाउंस करते हुए बेहद खुश हैं और उत्सुक हैं कि विक्रांत रोना 19 अगस्त को थिएटर्स पर रिलीज होगी। ये 3D फिल्म हिंदी समेत 14 भाषाओं में रिलीज की जाएगी। फिल्म में सुदीप का किरदार इंडियाना जोन जैसा लग रहा है जो किसी एडवेंचर पर निकला है। फिल्म के राइटर डायरेक्टर अनूप भंडारी ने उनके किरदार के लिए कहा था, किसी को नहीं पता कि वो जो कर रहा है क्यों कर रहा है, बस उसके हर कदम के पीछे एक वजह है। सुदीप के अलावा नीता अशोक और निरूप भंडारी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। अभिषेक बच्चन लखनऊ में अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। सेट पर 50 से 60 लोग मौजूद थे। ये शूटिंग लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में चल रही थी तभी लोकेशन पर पुलिस पहुंच गई। मेकर्स के पास शूटिंग की परमिशन मौजूद थी लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए पुलिस ने शूटिंग बंद करवा दी। हालांकि शूटिंग बंद करवाने के दौरान फोटो खींचने और वीडियो बनाने वाले क्रू मेंबर्स के साथ पुलिस की झड़प भी हुई जिसके बाद सभी को शूटिंग बंद करके वापस जाना पड़ा। आज सुबह ही अभिषेक ने लखनऊ से अपनी एक फोटो भी शेयर की थी, साथ में लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की। अक्षय कुमार, विकी कौशल, आशुतोष राणा और कैटरीना कैफ जैसे एक्टर्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आशिकी फेम राहुल रॉय भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
राहुल के साथ साथ उनकी बहन प्रियंका और जीजा रोमी की रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आई हैं। राहुल के मुताबिक उनका परिवार पिछले 15 दिनों से बाहर नहीं निकला, फिर भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर उन्होंने बताया 27 मार्च को उनका फ्लोर सील कर दिया गया था, जिसके बाद वो और उनका परिवार 14 दिनों तक घर में बंद रहे। 7 अप्रैल को उन्होंने RT-PCR टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राहुल के अनुसार उनके उनके परिवार में किसी को कोई सिम्टम नहीं थे, इसलिए फिर से एंटीजन टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब उन्होंने फिर से एक और RT-PCR टेस्ट करवाया है, जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। 9 अप्रैल को पिंक का तेलुगु रीमेक रिलीज हुआ था। फिल्म थी वकील साहब। अमिताभ बच्चन वाला किरदार यहां निभाया तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण ने। फिल्म को बम्पर रिस्पांस मिला। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की माने तो अब तक फिल्म 70 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। वकील साहब पवन कल्याण के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी साबित हुई है। आंध्र बॉक्स ऑफिस के मुताबिक फिल्म तेलुगु भाषी क्षेत्रों में खूब पैसा पीट रही है। वकील साहब ने तेलंगाना की निजाम टेरिटरी में अब तक करीब 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वहीं आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में फिल्म 14 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। कोरोना जैसे हालात के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मजबूती से चल रही है। फिल्म में पवन कल्याण के अलावा प्रकाश राज, अंजलि और निवेदा थॉमस जैसे एक्टर्स भी हैं। हाल ही में हुए बाफ्टा अवार्ड्स में प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक के साथ शामिल हुई। इवेंट से प्रियंका ने अपनी 2 अपीयरेंस की फोटोज सोशल मीडिया पर रिलीज की। उनमें से एक में वो पिंक क्रॉप जैकेट में नजर आ रही थी। उनका ये लुक खूब वायरल हुआ। प्रियंका की जैकेट का फ्रंट साइड थोड़ा खुला रखा गया था, इस पर लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। लिख रहे थे ये शायद कुछ पहनना ही भूल गए, ये भारतीय संस्कृति नहीं है जैसी बातें, मतलब रेगुलर ट्रोल स्टफ। अब इसी जैकेट की कीमत बाहर आई है, जिसे जानकर एक बार की तो ट्रोल्स का मुंह बंद हो जाएगा। बताया जा रहा है इस पिंक क्रॉप जैकेट की कीमत 3,915 यूरो है, यानी भारतीय रुपए के अनुसार इसकी कीमत है करीब 3,52,000 रुपए, यानी लगभग 3.5 लाख रुपए की जैकेट। अब बोलिए, प्रियंका इस साल हुए 74वें बाफ्टा अवार्ड्स की प्रेजेंटर थी। इससे पहले उन्होंने 25 अप्रैल को होने वाले ऑस्कर्स के नॉमिनी भी अनाउंस किए थे। पिछले साल अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की फिल्म आई थी गुलाबो सिताबो। थिएटर्स पर रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे ऑनलाइन रिलीज किया गया। गुलाबो सिताबो के बाद कई फिल्मों ने थिएटर का ट्रैक छोड़ OTT का रास्ता अपनाया। हाल ही में अमिताभ ने 70 के दशक को याद कर OTT फिल्मों पर कमेंट किया। अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, 70 का दशक जब फिल्में 50 और 100 हफ्तों तक चलती थीं और एक ही साल में 6-7 फिल्में रिलीज हो जाती थीं। लेकिन अब OTT पर आने वाले मिलियन व्यूज से फिल्म की सक्सेस निर्धारित होती है। 70 के दशक में अमिताभ की डॉन, कस्मे वादे, त्रिशूल और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्में रिलीज हुई थी, जो थिएटर पर 50 हफ्तों तक चली। तो आज के शो में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, जितना मुमकिन हो घर में रहिए। बहुत शुक्रिया।